वेलकम बैक टू बिक्रम ट्यूटोरियल। एक आप फिर से हम लोग बेलन चलेंगे, जिसमें बेलन में टफ टफ क्वेश्चन होगा वो ही चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी चलेंगे 115 नंबर से। 114 नंबर कल कंप्लीट किए थे, जो वीडियो को लगातार देख रहे हैं, लगातार अपडेट रहे हैं, उसको पता होगा कि हम कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं मंडे टू थर्सडे, और मंडे टू थर्सडे लगातार मैथ का वीडियो मिलता है। फ्राइडे को आपको अलग तरह का वीडियो मिल सकता है, या वही टेस्ट सॉल्यूशन जो ग्रुप डी का हम लेते हैं वही सॉल्यूशन करवाते हैं, उससे आपको फायदा भी जरूर होगा, हो सकता है। और सैटरडे हम लोग लाइव आते हैं, पता ही है। तो ये लगातार संडे को छुट्टी रहता है। तो चलिए हम फिर शुरू करते हैं, ज्यादा देर नहीं करना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है जी, जल्दी से बताओ जी, बेलन का आयतन क्या होता है? डंका देखे हो, गधा कहीं का बेलन का आयतन जानते हो, इतने दिन से पढ़ रहे हो। बोलो जी, मामा बेलन का आयतन क्या होता है? 4/3 तो चलो हम लोग देखते हैं। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर गोला का आयतन क्या होता है पंकज? गोला का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन, हाँ, तुम छाड़ी राजू को बोले थे हम छाड़ी लेके रखो, हाँ, पर पटवा देंगे लोग तब भी सुधरेगा ये लोग, ठीक है, ऐसे नहीं सुधरेगा। यहाँ से पूछेंगे मतलब वीडियो बना रहे तो क्या मारेंगे एकदम तड़ास, जैसे नहीं सूत्र आ पाएगा। सूत्र यानी कि त्रिकोणमिति वाला भी ये सूत्र याद नहीं किया होगा, अभी क्षेत्रफल वाला कंप्लीट किया वो हो याद नहीं किया होगा, तो कपार का चक्ति निकलेगा क्या तुम लोग का? हाँ, फरता की कुछ तुम लोग याद नहीं करता है। तो 115 नंबर में क्या बोल रहा है? 115 बोल रहा है कि एक पिघलाकर जहां बोले थे आयतन साम होगा, फिर बोल रहे हैं पिघलाकर जहां भी बोले, पिघलाकर कोई अलग भी आकृति बना देगा, मतलब आयतन क्या होगा? समान होगा, आयतन समान। जो भी दो गो गोला से बेलन बना दें, गोला से शंकु बना दें, गोला से अर्ध गोला बना दे, कुछ भी बना दे, आयतन हमेशा सेम होगा जो पिघलाकर करेंगे। तो बोल रहा है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोले को पिघलाकर, तो आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा पाए, और आर क्यूब, तो व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा त्रिज्या? 3 का क्यूब हो जाएगा। क्लियर हो गया, गोला का आयतन कंप्लीट हो गया। आगे बोलते उसी से बना दिया बाह्य व्यास, कितना बाह्य व्यास जहां दे दे तो इसका मतलब हो जाएगा पाए, पाए और बड़का स्क्वायर, तो बड़का स्क्वायर कितना हो जाएगा? व्यास है 10, तो हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पता नहीं छुटकार कितना है, तो इंटू कितना हो जाए लंबाई, लंबाई कितना है 4 है, कटेगा 4 वाला साइड, 4 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 3 से एगो यहाँ पे कट जाएगा ये वाला, तो यहाँ बचा 9, उधर बचा 25 माइनस आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर को इधर ले आओगे तो 25 माइनस 9 हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, आर बराबर 4 जगह, लेकिन त्रिज्या नहीं निकालना है, निकालना है मोटाई कितना। तो हम पहले मोटाई बराबर सूत्र बता दिए थे कि मोटाई बराबर जो होता है बड़का आर माइनस छोटका आर, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। किसी दिन याद नहीं किया सूत्र सब, पैसा लगता, तुम लोग पैसा का महत्व नहीं जानती होगी जी, फिर भी पढ़ रहे हो क्या तुम लोग? एक एक रुपया का जानो, एक दिन कमा के देखो ना तो पता चल जाएगा, एक बार कमा के देखो ना, एक दिन मजाक नहीं एकदम भूल जाओगे कि पढ़ना भी है। हद है, समझा समझा के थक गए। पढ़ो तो ऐसा कि लोग याद रखे कि यहां पढ़े थे। अपने सूत्र तुमको बताना पड़ेगा कि सूत्र याद करो, तुम नहीं समझता, तुम लोग तो खुद बोलते हो कि हम लोग खूब समझते हैं, इतना समझना तो सूत्र याद रखेंगे कि जैसे ही बोले तुरंत सूत्र बता दें। फिर सब नौटंकी चलता है लोग, आगे बढ़ेगा कि एकदम पीछे हो जाता है तुरंत। तो 116 नंबर में देखते हैं, ठीक है, 116 नंबर में क्या बोल रहा है? 13.5 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्ध गोलाकार गोली भरा पानी उड़ेला फिरेला जहां भी, फिर बोलेगा समझना वही आयतन में होगा ना जी, तो अर्ध गोला, अर्ध गोले पानी को उड़ेल देना है, तो कितना कितना है अर्ध गोला का? अर्ध गोला का क्या होता है? 2/3 पाई आर, आर का मान कितना है? 13.5, तो 13.5 का आधार लिख देते हैं, 13.5/2 इतने लिख देते हैं, का क्यूब होगा ना,
बराबर क्या हो जाएगा बेलन में क्या? अब इसी को पानी किसमें बेलनाकार में उड़ाया तो पाई हो जाएगा। उसके बाद आर पे फोकस रखते हैं, आर जो है 9 सेंटीमीटर व्यास है तो 9/2 हो जाएगा त्रिज्या, 9/2 का आर स्क्वायर इंटू एच, एच का ही मान तो निकालना गहराई बोल रहा है। तो सॉल्व जितना जल्दी कर सकते, इसमें सॉल्व जितना जल्दी कर सकते, सॉल्व करने में माइनस सॉरी गुना भाग जोड़ घटा जितना तेजी कर सकते हो एक बार पुट कर दो और गुना भाग तेजी से कर दो। हम लोग क्या क्या सीखे देखो, सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति में सीखे कि सबसे पहले सूत्र याद हो गया, पुट करने सीखेंगे। और इसमें क्या सीखे, इसमें सीखे कि जैसे ही पुट कर दो और खाली गुना भाग जितना जल्दी कर सकते हो, तो जिसका फास्ट होगा वो जल्दी बना पाएगा, जिसका स्लो होगा वो थोड़ा लेट करेगा। और क्या करेगा, लेट करेगा, लेट वाला लती वाला काम नहीं होगा। यहाँ पे देखो कंसिस्टेंट रहना होगा, मतलब जैसे कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि लगातार हम उस नंबर को फॉलो करें, उससे ज्यादा नंबर लाएं, धीरे धीरे नंबर बढ़ना चाहिए ना कि घटना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग पाए पाए तो कैंसिल हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एच बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पलटा दो ये वाला चल जाएगा कितना, तो हो जाएगा इधर एक बार बढ़िया से लिख दो क्या, इसको ही रहने दो, एच यहां रहने दो क्या, तो एच बराबर हो गया, इसको रहने दिए तो ये पटी था 2/3 गुने 13.5/2 13.5/2 यही ना है। और ई पटी ये वाला आ गया तो 2 पलट गया, यानी हो गया यहाँ पे ऊपर में क्या हो गया 2/2 और ये नीचुआ में जाएगा 9/9 क्योंकि वो पलटता है, ई पट जाने पे पलटता है ठीक है। तो कुछ कटेगा 4 ये खत्म, 2 से ये 2 खत्म, 9 से 15 = 35 होता है ना जी, 1.5 खत्म, 9 से ये 1.5 खत्म। और कुछ कटेगा क्या, और 3 से कटेगा 0.5 खत्म, तो क्या हो जाएगा 50 × 0.5 × 1.5 × 13.5 कितना कुछ है, किस तरह का है आंसर, बटा में रहने दो, 15 × 75 75 से गुना कर देते हैं, 75 से गुना कर देता है, 10 हटाइए देता था क्योंकि पूर्णांक ये पॉइंट कितना था 0.5 खत्म हुआ 10 ये भी 10 पूर्णांक में तो कट देते हैं, 5 × 10 5 × 15 = 10 5 × 10 27 × 135 81/8 कितना हो गया 8 10 × 1/8 है कि नहीं को सॉल्व करने में जितना देर लगा देगा तो 5 बोला था 2 मिनट खाली सॉल्व करने में लग गया। तो चारातर क्षेत्र मिति में दिमाग में रखना, जितना तेजी से बैठा करके सट 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 सॉल्व करने में जितना जल्दी लगा सकते, कट 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 करने में, कटाकट करने में तो बहुत लोग लेट लगेगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। सबसे आसान होता है क्षेत्र मिति ही अगर देखा जाए, उस तरह से सूत्र और दिमाग में लोड लेना चाहिए। जैसे हमारा क्षेत्र मिति जब 10 में पढ़ते थे, रियलिटी आज बता रहे हैं, जो बताना नहीं वैसे बताते हैं सब धीरे धीरे करके। तो क्षेत्र मिति के कारण बताया हम 15 का 15 नंबर छोड़ दिए थे, 15 का 15 मजाक की बात नहीं है, हम 15 का 15 छोड़े थे, 85 नंबर बनाए थे, 81 नंबर आए थे ठीक है। अगर वो हम क्षेत्र मिति उस समय अगर हम थोड़ा सा भी एकदम आसान जो भी क्षेत्र मिति आप पता चला है 100 में 100 रहता था, तो 85 से बनाते 81 आया था, तो 4 नंबर पता नहीं किधर उधर गलती हो ही गया होगा। तो जबकि सर बोलते थे तुम्हारे 100 में 100 ले आएगा क्षेत्र मिति बनाएंगे तब ना, तो 15 उसमें क्षेत्र मिति आता गिन करके, तो 6 नंबर यो ने बना पाए थे, रो ने कुछ बना पाए थे। तो उस समय का बात, अभी क्षेत्र मिति हमको लगता है सबसे ईजी लग रहा है, कुछ बात थोड़ा सा टफ लगता है। तो बाकी वो भी किसके अंदर कब टफ लगता है, जब उसके अंदर में घुसा दिया, जैसे गोला के अंदर में घुसा दिया, घनाभ के अंदर में घुसा दिया, की बैठाएंगे के, तो वही सब थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बाकी कोई चीज दिक्कत नहीं ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही चीज सीख रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा ना करें, हमेशा फोकस रखें और धीरे धीरे सब ठीक होते चला जाएगा। एक समय टाइम स्पीड और डिस्टेंस बहुत ज्यादा टफ लगता था, टाइम एंड वर्क बहुत ज्यादा टफ लगता, धीरे धीरे आसान होता चला गया कि नहीं। तो चलो आगे बढ़ते 117 नंबर पे, 117 नंबर क्या एकदम बन पाएगा कि नहीं, इंक ने भरा कि देखा दूसरा बोला 117 वाला में बोला एक खोखले गोले इतना इतना करके, तो खोखला गोला दे दिया, तो खोखला गोला के जानवे कर दो 4/3 और पाए यार बड़कार कते है 5 है व्यास दिया है सर, तो 5 हो जाएगा
अब ब्याज दिया कितना, 10 और 6 तो हो जाएगा 5 और 3, 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, यही ना होता है बराबर, बराबर देते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलो जल्दी से बोलो, कोई दिक्कत। इस खोल को पिघलाकर कौन सी बनाया गया, बेलन, बेलन है भगवान। तो पाई हो जाएगा आर स्क्वायर दिया है क्या, व्यास निकालना तो इसका मतलब नहीं दिया हुआ आर स्क्वायर, और एच कितना दिया हुआ है, एच हो गया 8/3 यही ना। पाई पाई कैंसिल, तीन तीन कैंसिल, चार से ये वाला कैंसिल, और कुछ कटेगा क्या, ना कटेगा। तो 5 की 125 और 3 का क्यूब 27, 125 27 बनता 98, 98 बराबर 2 आर स्क्वायर, ये खत्म हो गया 49। आर बराबर कितना, आर बराबर 7, तो त्रिज्या निकालना था 2 आर निकालना था, तो क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। दिस इज सूत्र याद रखने से कितना फायदा हुआ, सूत्र याद रखने से कितना फायदा हुआ, इसलिए सूत्र बोलते याद रखो, सूत्र याद रखने से बहुत फायदा है, ठीक है। सूत्र याद कर लो, जितना भी है बनाने का प्रयास करो, सब बनता चला जाएगा। और एग्जाम में धुन दो, सॉरी तुम लोग धुन नहीं अभी तक नहीं सीखे हो, कब से बोल रहे हैं कि धुन दो, धुन ऐसे भी तुम लोग पहले एक मिनट पास कर पा रहे हो क्या, हम सीधा तुम लोग से इतना बार समझा सुना देता है, इस तरह पास कर पा रहे हो क्या। जब फेले होंगे तो धनिया एकदम मार मार के फेल होंगे, बोले थे ना जी गर्दा मार देना, अरे बउआ बोले थे ना कि सौ मार देना, जब हमारा घटिया जब नंबर आया, दो तीन नंबर आया, वे करेगा तो सभी मार देगा माइनस में जाएंगे नंबर हम, लेकिन तुम लोग गारंटी देता माइनस में नहीं आएगा, ला के दिखाओ माइनस में उसमें सौ में सौ मार करके। तो पहले शुरू शुरू में तुमको टेस्ट का देना होगा, उस तरह से तुमको कॉपी सब चीज बता दिए, टेस्ट कैसे देना सब तुम लोग को बता दिए बाबू सोना जैसा करके, लेकिन तुम लोग तो एकदम हीरा मोती निकल गया है, एगो बरद हुने एगो बरद हीने, हीरा मोती का कहानी सुने होगी ना तुम लोग, दो बैलों की कथा, बाद में होश आएगा कि हीरा भी बहे मोती भी बहे, कितना जरूरत है साथी का, साथी का कितना जरूरत है वहां पता चल जाता है कि नहीं जी। चलो 118 116 17 हो गया, 118 फिर उसी तरह का कुछ कुछ होगा, 118 क्या बोला है जी, 118 में बोला क्या कि एक बेलनाकार बीकर है, देखो क्वेश्चन में कितना लंबा, थोड़ा देखना क्वेश्चन में देखने में कितना डिफिकल्ट लगेगा, तुम थोड़ा सा देखना, अभी तुम लोगों को नया लग रहा होगा लेकिन इतना जरूर है कि ये सब क्वेश्चन देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, खाली उसके अंदर घुस जाओगे तो आसान लगने लगेगा। तो क्या बोल रहा है कि एक बेलनाकार बीकर में जिसमें थोड़ा पानी भी है, ठीक है पानी भी है, 1.4 गोला डाला जाता है, कितना क्या डाला जाता जी, गोला डाला जाता, कितने गोले डालकर तोरी, तो गोला की संख्या कितना, एन, एन गुना गोला का आयतन जितना होगा कितना, 4/3 और पाई आर क्यूब, आर का कुछ दिया है कि वैल्यू, बीकर का व्यास दिया, तो ये बेलनाकार बीकर है जिसमें थोड़ा पानी है, गोला रहता है 1.74 सेंटीमीटर, तो जाएगा 1.4/2 का होल क्यूब, क्या यही डाला गया तभी तो उस बेलन में चला गया, ए बेलन में यही गया ना, यानी यही आयतन हो गया बराबर क्या, गोला बेलन का आयतन, बेलन कितना है जी पाए, और आर का मान कितना, ब्याज 7 है तो 7/2 हो जाएगा, बैठा दू बाद में सोच लेना, और इंटू एन का मतलब संख्या, एक गोला में इतना पानी छेकता है तो एन गोला में वही पानी उधर को बराबर कर देगा, ठीक है। ऐसा जानते हो नहीं जानते अभी बता देते थोड़ा सा, तो इंटू एच, एच का मान दे दिया मतलब कितना बढ़ जाएगा, 5/6 बढ़ जाएगा, बस क्लियर हो गया। फिर से बता दे रहे हैं, एक गुली डालेंगे थोड़ा पानी बढ़ेगा, फिर गुली डालेंगे फिर इतना पानी बढ़ेगा, फिर गुली डालेंगे कितना गुली डालेंगे कि उसका ऊंचाई कितना हो जाना चाहिए, हाई देखो इस तरह से, ये मानते हैं बर्तन है, ठीक है, किस तरह का बेलन का है, इतना कितना बढ़ा है जी, 5.6 सेंटीमीटर बढ़ा है, मतलब एक गुली डालेंगे तो इतने बढ़ेगा इतने, फिर दो गुली डालेंगे तो फिर इस तरह से करके कितना गुली डालेंगे कि इतना हो जाए, यहाँ पे अलग इतना, ठीक है इतना ही सब गोला डाल रहे हैं, तो एन गोला डालने पर आयतन इसका जो ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये बर्तन 5.6, तो वही खाली करना, तो इसका मतलब इसका आयतन गुना एन संख्या बराबर ही गोल बेलन का आयतन, क्या धस रहा है, धस रहा है।
झूठो ना बोला, हमारे पास तो बहुत लोग झूठ बोलता है, झूठ बोल के क्या फाइन मिलता है, तो कुछ कटेगा क्या? तो पाए पाए कटेगा और क्या कटेगा, चार बटे तीन कुछ ना कटे, चार से कटेगा, चौक दो चौका छप्पन, एक पॉइंट चार, और कुछ कटेगा। अच्छा चलो एक बार ले जाते हैं, हमको एन चाहिए ना, एन बराबर क्या होगा, ई पट्टी कौन सी बचा, सात बटे दो गुने सात बटे दो बचा ना, एक पॉइंट चार बचा ना, और ई पलट जाएगा, तुम लोगों को पहले बोल चुके हैं पलटा दो, तो पलट के ऊपर मां में ई चल जाएगा तीन, और ई पलट जाएगा तो हो जाएगा निचुआ में कितना, ऊपर चल जाएगा टू, और बाय वन पॉइंट फोर, टू बाय वन पॉइंट फोर, और टू बाय वन पॉइंट फोर होगा ना, पलट दे पहले बोल चुके हैं कि ऊपर टी जाएगा कोई ना, तो उल्टा चल जाएगा। अगर ए बाबू भैया अगर एक्स गुना चार है तो ऊपर टी अगर कभी जाएगा ना तो ये हो जाएगा एक्स बराबर वन बटे चार होगा, ये वाला चार ऊपर टी ये गुना में और क्या बोलते भाग में हो जाएगा, लेकिन एक्स गुना एक बटे चार है उधर जाके चार गुना एक चार बटे एक हो जाएगा, उधर ऊपर टी इस तरह से होता है, ठीक है। तो वही काम किए हैं, ठीक कि नहीं, इतना बुझ रहे हो ना, बुझ गए हो कि नहीं, बुझे हो, बुझ गए हो, ये लोग हाँ ना मैं जल्दी अभी तक मैं सीखा, कल तो बोले छड़िया लेके आना रे, हाँ ये लोग अभी तक हाँ ना तो करने नहीं, एक पॉइंट चार दो कट गया, और कुछ कटा क्या, सात से कटा दो, सात दो ना जीरो पॉइंट टू कटा, सात से जीरो पॉइंट टू कटा, और कुछ कटा नहीं, कटा ना, तो जीरो पॉइंट टू का मतलब क्या होता है, तीन गुने दस गुने दस हो जाएगा, निचुआ में चार हो जाएगा, यही ना, अरे बोलो तो ये पच्चीस बार में कट जाएगा, पचहत्तर है कि नहीं, गड़बड़ हो गया क्या, और छोड़ दिए, और दो दो और था क्या, पचहत्तर गुने दो था यहाँ, दो छूट गया, पचहत्तर गुना डेढ़ सौ, दिस इज आंसर। नहीं जानोगे उसका ए बी सी ना तो नहीं बन पाएगा, ठीक है, थोड़ा सा है दिक्कत, ऐसा है नहीं है कि दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई करते हुए चलना, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, इधर का बेल ये सीख जाओगे तो बाद वाला में जितना भी क्वेश्चन वोशन आएगा ना तो वो बना पाओगे तुम लोग, ठीक है, मिटा दें ये वाला, 118 कंप्लीट हो गया, 119 पे फोकस करें क्या, 119 पे फोकस, 119 कर दो वीवीआई एकदम, ठीक है, 119 कर दो वीवीआई एकदम, 119 कर दो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, 119 वाला कर दो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत लोग के दिमाग में लोड तुरंत नहीं ले पाएगा लेकिन बहुत लोग बना भी पाएंगे, बोलता भित्री व्यास, बढ़िया बात है, भित्री व्यास कट जाएंगे, नरकट वो है, तो भित्री व्यास दे दिया 20 सेंटीमीटर, बढ़िया बात है, तो बैरल इस तरह का होता है क्या, कंटेनर इस तरह का मान लेते, ठीक है, बोलता भीतरी व्यास, बढ़िया बात है, तो आर कितना हो गया जी, आर कितना हो गया, 20 है ना, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसके बाद उसका ऊंचाई कितना दे दिया, 30 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितना है इसका, तो ये हो गया यहाँ पे लिख देते हैं, एच कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला कि डिब्बे में और एक बर्तन में पानी कितना, 5 फुट ऊंचाई तक पानी है, पनिया कहाँ तक है जी, ये कितना सेंटीमीटर है, इतना तक पानी है, पानी है, बढ़िया है, डिब्बे में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे के कितने गोले डाले जाए जिससे डिब्बा पूरी तरह से भरा जाए, मतलब ये पनिया कहाँ तक पहुंच जाना चाहिए, यहाँ तक, इसका मतलब ये चाहिए, ये इसका आयतन के बराबर, इसको छोड़िए ना देंगे जी, ये तो पहले से पानी भरा हुआ, हल समय ना पहले ध्यान से प्रबंध, इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, तो सबसे पहले फिर ध्यान बोलते हैं, पानी भरना है, पहले पानी कितना है और भरना है ये पूरा 30 सेंटीमीटर, तो कितना ही बाकी रह गया था इधर, 25 सेंटीमीटर वाला खाली भरना है, तो 25 सेंटीमीटर का जो आयतन वाला जो होगा बेलन का आयतन वही गोला का आयतन होगा ना, अरे बोलो तो कुछ तो बोलो, तो क्वेश्चन मार्म क्या बोला, अब पढ़ो, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर, इधर लिख चुके थे, तो क्वेश्चन मार्म में बोला प्यारे बच्चों कि
पांच कितना गोला डाला जाए, तो गोला की संख्या फिर वही एम गुना चार बटा तीन और पाई आर क्यूब, क्यूब का मान कितना मतलब आर का मान कितना पांच त्रिज्या, तो पांच का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा अभी बताए पाई आर स्क्वायर एच होता है ना जी, पाई आर का मान कितना दिया हुआ है देखो दस का स्क्वायर और एच का मान अभी बोल चुके हैं उधर कि गोलिया किसको भरेगा, ये पांच ये वाला तो नहीं भरेगा जी, हमको ये भरना है सिर्फ, तो इतने आयतन हमको चाहिए इतना इतना आयतन होता वही पाई आर स्क्वायर एच, वो भी गोला बेलन ही है, वो भी क्या है बेलन ही है, तो इसका मतलब कितना उसका ऊंचाई है 25। सॉल्व कर दो इसका मतलब पाए पाए तो कैंसिल हो जाएगा बढ़िया, पांच क्यूब से ये पांच क्यूब 25 से कट जाएगा पांच बार में, पांच से ये 120 बार में कट जाएगा ठीक है, चार से ये पांच बार में कट जाएगा, तो एन का मान कितना हो गया पांच दिया 15 को गोली डालेगा हो गया, क्या कोई भारी लगा बताओ, तो मिनटों का काम एकदम सेकंड में, तो जिसमें होता है सेकंड में उसको सेकंड में बोलते हैं, बाकी तो टफ ये भी चल रहा है एडवांस है, मतलब एडवांस का मतलब टफ नहीं होता है, एडवांस का मतलब तो तुमको जानकारी सभी पूछे गोला आयतन फटाक बोलना चाहिए, चारों के तीन पायर क्यों सब होगा इंटेलिजेंट होकर जैसा एन गुने हो गया गोला का आयतन चारों के तीन पायर क्यूब, आर का मतलब 10 है, अरे गोला का आयतन गोला का त्रिज्या था ना, इधर देखो डिब्बे में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे के कितने गोले, बेलने वाला थोड़े ले लोगे गोलिया का डालोगे ना गोला का त्रिज्या डालोगे ना, तो ध्यान रखना सब, चलो 120 में जल्दी बना के दिखाओ, 120 में जल्दी बना के दिखाओ, किताब सूरज भी नहीं लाता है और ये राहुल भी नहीं लाता है, दोनों को किताब खोजो उसका, दोनों का ये राजू भी नहीं लाया लगता है, ये हथियार लिया है किसी का किताब पर, टॉपर इसमें यही वो लक्षण में खराब लगता है हमको, दूसरे किताब पर हथियार लेगा, गरीब को दबाते रहो बेचारा, मैं पढ़ाइयों में गरीब लोग को दबाता है, जो पढ़ाई में थोड़ा लोवर रहेगा उसका किताब छीन लेगा उसका पैसा छीन लेगा ना रे तुम लोग आप दो, गरीब को भी आगे बढ़ने में मदद करो, 119 के बाद 119 के बाद होगा 120 ठीक है 120 और एक चीज और बोलेंगे पूछो क्या, इस महीना भर हम छोड़ देते हैं 5 तारीख के अंदर तक जिसका जमा नहीं हो पाएगा ट्यूशन फीस बाप उसका 100 रुपया तुरंत 6 तारीख ले लेंगे हम ठीक है, माफ तो आप नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए माफ करने का जगह नहीं है, माफी उसी को देंगे जो अच्छा करेगा बस, ये कौन तरीका हुआ एक महीना में 500 रुपया 400 रुपया नहीं दे पा रहे हो, गलत बात है, एक गोला का व्यास कितना है जी 6 सेंटीमीटर है ना, तो बढ़िया बात है पिघला करके जहां बोलेगा पिघला कर दोनों का आयतन सेम होगा और की करेगा जी, गोला का व्यास है 4/3 क्या हो जाएगा बोलो पायर क्यूब हो जाएगा, याद तो किया है ना सूत्र ही लोग बनाएगा कि कपड़ा शक्ति 3 का क्यूब अब बराबर क्या हो जाएगा बेलन है पिघला कर तार तार जहां बोलेगा बेलन जैसा होता है, तो तार का हो जाएगा कितना पायर और आर का मतलब व्यास दिया है 0.1 तो 0.1/2 का स्क्वायर ना इंटू एच ये लंबैया तो और ये तो लंबैया निकालना था ना ठीक है ठीक ठीक है व्यास था क्या ठीक कर रहे थे ना एकदम गुना तार का डाला और तार की लंबैया ज्ञात करना ठीक है, पाए पाए तो कैंसिल हो ही नहीं जाता बार बार लिखने जरूरत नहीं पड़ा लेकिन दिखा देता तो ज्यादा बेहतर होता है, और कुछ कटेगा क्या 3 से वो कट जाएगा ये ना ठीक है, ये 9 जाए 4 × 9 बचा इधर और उधर हो जाएगा ये हो जाएगा 1/20 ना जी 1/20 × 1/20 × h तो h बराबर कितना हो गया 36 × 72 = 144 और 2 × 0 ये हो गया क्या सेंटीमीटर में था कि मिलीमीटर में था, ये कौन सी में था सेंटीमीटर, अरे कुछ मैं सॉल्व नहीं कर रहा था 144 ऑप्शन में नहीं है 3600 सेंटीमीटर आते हैं 144 तो
मेरा आ रहा था लेकिन वही सुनो चौवालीस तो मेरा भी आया हूँ। 144 सौ आ गया जी। यस सर आगे तो हम की करेंगे कुछ हो पाए ना। क्या देखोगे जब देख रहे हो इसमें भी देखो क्या तुमको इतना बुद्धि नहीं गलत तुम लोग बोलते हो इसको क्या देखें गलती कर दिया कहीं सेंटीमीटर मिलीमीटर कर दिया हो गया ठीक है देख लेना वही होगा बनाना भी नहीं था। 121 नंबर तुम लोग गजब लेकिन करते हो थोड़ा सा बुद्धि जब तुम लोग के पास आई है कहते हो कि उधर देखें देखेंगे ठीक है कब देखेंगे जब नहीं बनेगा तब जब हमारा देख रहे हैं कि सिंपल सा क्वेश्चन है जब इजी है वहां पे कहीं गलती भी नहीं हुआ है 144 सौ नहीं है तो नहीं है मिलीमीटर में कहीं चेंजिंग किया होगा गलती क्वेश्चन के अंदर में तो हम लोग उसमें थोड़ी ना छिड़का नहीं कर। हाँ अगर जो हम लोग से हिलता नहीं है क्वेश्चन में तो उस समय ऑप्शन देखेंगे किस तरह बनाया वो अलग बात है। 121 नंबर में क्या बोल रहा है जी एक लंब वृत्ताकार बेलन 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 का क्या बोला बेलन और एक गोले के वक्र तल के क्षेत्रफल बराबर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है जी कौन बताएगा जल्दी बोलो। बेलन का होता है 2πRh तो हो जाएगा 2πRh ठीक है। बेलन का क्षेत्रफल बराबर है अब त्रिज्या भी सेम है तो आर में कोई दिक्कत नहीं है 2πRh बराबर गोला का वक्र गोला का क्या होता है गोला है कि अर्धगोला है गोला तो क्या होता है 4πr² पक्का ना कोई दिक्कत ना है। आर से एक बार खत्म पाई से पाई खत्म टू से टू खत्म ना जी तो क्या बचा एच बराबर 2r बढ़िया बात। अब क्या क्वेश्चन मैं बोलते चलो आयतनों का अनुपात पूछा आयतन का अनुपात है भगवान तो आयतन πr² हो चुका ना पाई आर स्क्वायर और एच की जगह कितना हो जाएगा 2r और बटे हमको कुछ जानना है क्या बेलन के बाद गोला गोला का आयतन 4/3 पाई और आर क्यूब तो ये पाई पाई तो कैंसिल होता ही आर क्यूब भी कैंसिल तो हमारा क्या आयतन हो गया यहाँ पे 2 से कट जाएगा ये वाला तो 3:2 क्या बचा 2 ठीक है 3:2 में कोई दिक्कत कोई परेशानी खतरनाक ठीक है खतरनाक कल वाला जी फेर कर लेना तुम राहुल कुमार बाकी सब फेर करना जब से सबका बेस्ट होगा फिर बोल रहे हैं और शुक्रवार को होगा पार्टी ठीक है। हाँ शुक्रवार को होगा पार्टी तो शुक्रवार को सब खा पी बिना खाए पी आना यही ना कि अच्छा सा यही ना कि बढ़िया खाने पीने में लेना ताकि पेट भी भर जाए। इसको पढ़ने दो इसको तुम लोग चल जाना राजू राहुल चल जाना उस दिन ये सब चल जाना क्योंकि ये सब जो है तुम लोग तेज तरार है तुम लोग समझ पाता है तुरंत और ये सब थोड़ा सा पढ़ने दो ये लोग को शुक्रवार को थोड़ा सा पढ़ने दो तभी तो हो पाएगा। अब यही लोग जाएगा तो ये लोग क्या सीखेगा कपार का चक्की। तो 122 नंबर में 122 नंबर में क्या होगा 122 में क्या है जी 122 में क्या बोले एक बेलनाकार डिब्बे में जिसका आधार क्षैतिज है और जिसकी आंतरिक त्रिज्या कितना 3.5 सेंटीमीटर है पर्याप्त तो पानी है आता जब उसके भीतर एक ठोस गोला रखा जाता है तो वह पानी उस गोलक को ढक लेता है बढ़िया बात है वह गोलक भी उस डिब्बे में पूरी तरह फिट बैठता है उस गोलक के रखने से पहले डिब्बे में पानी भरा आसानी है। तो सबसे पहले देखो ये देखो बेलन बेलन देखे हो कि नहीं देखो ये अभी देखे थे और इसमें जो है एगो जो है गोलवा कैसे फिट करेंगे ये गोला अरे तो अच्छा फिक्रम बना दे ऐसे तरह गोला फिट हो जाएगा ना अरे कुछ तो बोल दो पनियाई इस समय छित्र आ जाएगा इस क्या पनियाई ऐसा में छित्र आएगा जी गोलवा टब करेंगे छित्र आ जाएगा तो ये देखो ये इसका जो थी हो जाएगा आर है देखो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आर ये भी आर तो एच का मतलब क्या हो गया 2r एच का मतलब 2r ठीक है और कुछ
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पानी का आयतन क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, पानी का आयतन क्या हो जाएगा, पानी का आयतन हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बड़का आयतन, और माइनस क्या हो जाएगा, कौन चाहिए गोला, गोला का आयतन। इसका पानी का आयतन क्या हो जाएगा, पाए आर स्क्वायर एच, एच इसका पानिया का थोड़ी पता है, इसलिए इसको मान लेंगे एच वन मान लेंगे ये, ठीक। बराबर बेलन का आयतन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पाए आर स्क्वायर आर इंटू टू आर, माइनस गोला का आयतन क्या होता है जी, चार बटे तीन पाए आर, बोलो आर क्यूब, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कुछ कटाना तो है नहीं, कि ले ले कॉमन ले ले, पायर स्क्वायर कॉमन ले ले क्या, तो पायर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा टू आर है ना, और यहाँ बचा चार बटे तीन आर, बहुत बढ़िया। तो ये वाला और ये वाला खत्म खत्म, तो क्या बचा एच वन बराबर क्या बचा, इधर हो गया तीन दुना छर में चार आर चला गया, कितना टू आर बटे थ्री, आर का वैल्यू दिया हुआ है शायद, आर का वैल्यू दिया है, वही दिया था, तीन दशमलव पांच, तीन दशमलव पांच दिया तो बैठा दो, तो दो गुने तीन दशमलव पांच बटे दो, किस तरह से आंसर दिया, पढ़े तो ठीक है, तो ये दशमलव दो दो कट ये गया, तो क्या हो गया पैंतीस बटे तीन, नीचे तीन था कि तीन था, तो यहाँ पे दशमलव उड़ा देते तीस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा पांच सते तीस, पांच छह तीस, द्वितीय तो सात बटे तीन है, को ऑप्शन में हाँ सर है, लेकिन मेरा आया चौदह बटे तीन, कैसे सर, मेरा आंसर हुआ सात बटे तीन है सर, गलती की बाप रे, कैसे आ गया, कुछ पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा पंगल नहीं पड़ा, पल्ले तो पड़ा है, बता देते हैं, बोल क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, पंकज वहां पे लिखा पानी की गहराई कितनी है, घर में बैठ करके एक बार रिवीजन भी करो और उसको देखो, कि पढ़ के भी देखो क्वेश्चन देखो, एक बार समझ में नहीं आएगा शुरू शुरू, जब पढ़ के देखोगे तो धीरे धीरे वो भी आने लगेगा, तो वो भी तुम बात बता दिए, लिख लो कि हमको जो है क्वेश्चन को भी पढ़ने सीखना है, लिख लो क्वेश्चन को पढ़ने सीखना है, लिख लो पढ़ने सीखना मतलब पढ़ना खाली कुछ नहीं करना, तुमको पढ़ने सीखना है, रीडिंग दो बार क्वेश्चन को, जो 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 पढ़ाएंगे ना सब तो जान ही जाते हो कि कौन पढ़ाई होने वाला है, तो एकदम जो है उसको रीडिंग दे देके आना, तो सीधी बात पहले हमको पानी की गहराई चाहिए, तो सीधा देखो पहले बात पानी का आयतन बराबर क्या होगा, हम पहले बोले गोला ऐसा इसमें किया है फिट कि पूरी तरह से बर्तन को एकदम बर्तन तक ढक ले, एकदम ऐसा बोला है उसमें, ठीक है, तो इसका इसका त्रिज्या जो है वो आर होगा, इसका भी त्रिज्या आर होगा, और ये बेलन का भी त्रिज्या क्या है आर ही हो, क्लियर है, तो ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा, ये जो पूरा बर्तन ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये आर प्लस आर मिलकर नहीं बना रहा, देखो तो टू आर क्लियर हो गया था उधर, तो पानी की गहराई पूछ रहा था क्वेश्चन में, लास्ट में लिखा था पानी की गहराई बर्तन में वो उठने से पहले पानी का गहराई कितना था, तो पानी का पहले आयतन तो पता हो जाए तब ना सब गहराई तरह निकलेगा, तो पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये बेलन का आयतन में बर्तन में बेलन ना का जो बर्तन है उसमें ये गोला का जो डाले हैं उसका आयतन जितना होगा, तो ये सब छितराया हुआ भाग पानी का आयतन होगा, होगा कि नहीं, हाँ। तो वही लिखे हैं बेलन का आयतन घटा गोला का आयतन, बेलन का आयतन गोला का आयतन, सॉल्व करते गए आंसर मिलते चला गया, ऐसे निकल गया सब कट कट गया, क्या और कुछ बोलना चाहते हो, इतना सिंपल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बोल देता है, ठीक है, तो 122 तुम लोग बस बनवाते चले गए, हम भी बनाते चले गए, ठीक है, तो सब काट कूट चलते चला जाएगा, अब आगे बढ़ते हैं क्या हो जाएगा, 123 नंबर हम लोग देखते हैं, 123 भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम लोग के अनुसार हो, तो 122 वाला कर दो वीवीआई, फिर से 122 वाला कर दो वीवीआई, ठीक है,
122 वाला कर दो, फिर वीवीआई 122 वाला, फिर वीवीआई कर देना ठीक। 123 वाला तुम लोग बना पाओगे क्या? बना पाओगे अरे बोतल क्या सकता फिर वाला। तो 122 वाला ट्राई मारो तब तक, सॉरी 123 वाला ट्राई मारो तब तक, और ट्राई मार के आंसर बताओ जल्दी से फटाफट। आप लोग अपने अपने सजेशन को, अपने अपने तरीके को, अपने अपने बातों को कमेंट बॉक्स में रखें, और हमेशा मैं बोलता हूं कि कमेंट जो भी करें जेनुइन और अच्छा कमेंट करें, बुरा कमेंट करने वाले का भगवान ही बचाए ठीक है, हम नहीं बचा पाएंगे, और हमको सीधा मत समझने का कोशिश करें ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, 122 के बाद 123 में बन गया, लेट हो गया, टाइम ओवर हो गया। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरा है भरा हुआ उस तरल पदार्थ को, हाँ तोरी भरना है तो क्या, तो किसको कटोरे खाली करना, कितना बोतल, बोतल लगा करना है तो बोतल भरना है, तो बोतल की संख्या कितना, एन एन गुने एन गुने कितना हो जाएगा पाए, और इंटू 5 सेंटीमीटर व्यास है उसका, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5/2, 5/2 का स्क्वायर गुना एच, एच का मान कितना है जी 6। बहुत बढ़िया, यहाँ तक किसी क्लियर, कोई दिक्कत? 123 सेंटीमीटर है, तो अर्ध गोलाकार कटोरा है, तो इसी को भरना है कटोरा, अर्ध गोलाकार वाला में, अर्ध गोलाकार कटोरा वाला भरना है बोतल में, करके अलग अलग कितना बोतल की जरूरत पड़ेगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, गोल अर्ध गोलाकार का क्या आयतन होता है जी, अर्ध गोलाकार क्या होता है बोलो, 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 हो जाएगा पाई हो जाएगा, आर क्यूब कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका सर यही 15 सेंटीमीटर, 15 का क्यूब ठीक है, तो पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, फिर से 2 से भी कट जाएगा ये 3 बार में, अब n बराबर क्या हो जाएगा पलटा दो, तो 15 गुने 15 गुने 15 हो जाएगा ऊपर में, और निचुआ में कितना बचा था इधर 3, पलटा दो उधर जाकर के, तो गुना हो जाएगा ये 1/3 ये वाला पलटा दिए, ये 2/5 गुने 2/5 पलट गया पलटा दिया, तो प्यारे बच्चों 5 या 15 तो 15 × 60 × 120 बोतल का आवश्यकता होगा, क्या गड़बड़ कहीं की, 15 × 30 × 60 गुना भाग गलती किए, तो 60 इज द राइट आंसर क्या, कोई दिक्कत था, देखो 1 मिनट के अंदर में बना, तुम लोग क्या टाइम आ लेता समझे में आता है, है? क्या लेता है तुम लोग, लगता है क्वेश्चन आना पूरा देखता है की करे कनेस की करे फनेस की करे, ज्यादातर स्टूडेंट हम बोल रहे हैं मजाक नहीं, लोग बोलता है हम नहीं समझ आते हैं, अगर हम स्टूडेंट तुम लोग की जगह रहते हैं हम समझ आते हैं, इधर सुनो एक्चुअली तुम लोग जो है ना खाली मास्टर वर्क देखते रहता है, अपने से क्या करना नहीं जान पा रहे हो कि करना क्या है उसके अंदर में, जब बताते ठीक ही कर लगी टाइम है, पहले समझ ही नहीं पा रहे करना कौन चाहिए उसके अंदर, तो फिर बता रहे हैं उड़े लेगा, बोतल की संख्या पूछेगा, जिसको पूछेगा उसमें एन लगा दो सीधा, किसको 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 किसके अंदर भरना है, बोतल की संख्या भरना, तो बोतल का आयतन प्ले देखेंगे कितना है, और उसमें एन गुना कर दो, ओखरे बराबर हो जाएगा उन्हें जेकरा उस जिसको भरना है, तो दोनों का आयतन सेम हो जाएगा, एन निकल जाएगा, या तुम लोग एक खोपड़िया हमने दसवाए थे कि संख्या बराबर बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन, यो तो करो, ओई ओई पंकज बाबू बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन नहीं बता लेते, उधरों बनता उधर, लेकिन हम किए कि इस तरह से, तो तरीका बदलो बट आंसर वही आना चाहिए। तो आगे बढ़े 123 के बाद 124 बढ़े बनाए, बना लो जल्दी से फटाफट 124 124 बना लो तुम लोग, बहुत ही आसान लग रहा होगा, 124 तुम लोग के लिए होमवर्क रहा था, एक क्वेश्चन देना होगा ना होमवर्क, एक गूगल में देंगे एक दो को देना होगा ना, 124 बार होमवर्क आसान है, चलो 125 जल्दी ट्राई करो फटाफट, एक को बनाओ 125 तो बन जाएगा, 125 जल्दी से ट्राई करो,
टेढ़ा हमें किसे देख लेता समझ में आता, हमको टेढ़ा नहीं हमको किताब चाहिए सॉलिड, समझे कि नारी को लोता बपोती होना चाहिए तुम। दोनों ही मेहनत करता है, दोनों चोर चोर है सर। 125 टाइम ओवर हो गया, देखते ही तुम लोग का टाइम खत्म हो जाता है। तो 125 में क्या बोला प्यारे बच्चों, 125 में बोला कि एक बेलनाकार जार है जिसका त्रिज्या कहते हैं, अरे पानी भरल जहां बोलेगा ना पाए तो निकाल दो ना, तो बेलनाकार है तो पाए आर स्क्वायर का ना है जी 15 का स्क्वायर और गुना कौन सी 20 बराबर कौन सी होगा इसी एक ठोस लोहे के गोलाकार गोलाकार गेंद ए गोलाकार गेंद जिसकी त्रिज्या कितना है 10। एक गोलाकार गेंद है जिसकी त्रिज्या कितना है 20 से कोई मतलब ही नहीं था, 20 इससे तो कोई मतलब ही कितना ऊंचाई तक फैलेगा वही बोल रहा था, 20 तो जबरदस्ती दे दिया तो यही निकालना है एच कितना सेंटर ऊपर उठेगा। तो इसका मतलब गोला ऐसा है, देखो यहाँ पे बेलन है और गोली इसके अंदर में डालेंगे कोई भी, तो जितना ही गोलिया पनिया को बढ़ाएगा तो मान लेते इतने बड़ा, तो यही ना उसका ऊंचाई हो जाएगा, इसका ऐसे कोई मतलब है नहीं है। तो क्या बोला क्वेश्चन में एच निकालना, बोला कितना सेंटीमीटर ऊंचा वृद्धि हो जाएगा पानी के तल में कितना वृद्धि हो जाएगा, मान लेता पनिया यहाँ पाले था उससे कोई जो उठेगा वही ऊंचाई हो जाएगा जी, वही ऊंचाई हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस 20 से। तो गोलाकार गेंद का त्रिज्या कितना है 4/3 और पाई आर आर क्यूब कितना है 10 का क्यूब। तो पाई का पाई खत्म, हमको एच चाहिए तो एच उधर हो जाएगा 4/3 गुने 1000 और पलट जाएगा उधर 1/15 × 15 कटेगा कुछ की नहीं कटेगा क्या बटे तो पूरा रह गया 5 × 15 = 5 मतलब 205 × 1000 5 × 15 = 5 40 इतना ना जी ठीक है ना 40 + 200 होता है ना, तो कितना हो जाएगा 4400 × 160 और 3×3 = 9 = 27 27 × 135 35 और 25 ना जी 60 40 × 60 हाँ बस यही दिशा। कुछ खोपड़े में 20 सेंटीमीटर देखो कितना बकवाने के लिए दे दिया, अकबका जाते कि नहीं अकबका जाते पानी के तल में कितना वृद्धि हो जाएगा, मतलब पनिया इतना रखा हुआ है ठीक है पनिया इतना रखा हुआ है जो वृद्धि हो मानते इतने ना हाइट वहा होगा जी, उसे क्या फर्क पड़ा एच से, मतलब वैसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा हमको, तो ये खोपड़िया में लगाना होगा अदरवाइज बाबू ये एच यहाँ 20 बैठा दो अब तक बोले कीड़े कर दे बाबू एच कहाँ आएगा कौन चीज बढ़ा दोगे है? तो खोपड़ी बढ़ाने के लिए बहुत दमदार क्वेश्चन कर दो VVI ठीक है करवा देता है, उसके बावजूद भी अगर नहीं बाद में बना पाओगे ना तो तुम्हारा गलती होगा। और जो भी बच्चा है बाबू शाम 5 बजे का कोई बच्चा इंटरेस्टेड है कहीं बाहर का गोतिया बाजार नहीं है तो कोई बात नहीं है, बाहर को स्टूडेंट है 400 महीना शाम 5 बजे RS अग्रवाल से स्टार्ट होगा, नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ है तो कोई भी बच्चा अगर चाहेगा तो जा सकता है। तो 125 हो गया, 126 पे फोकस कर रहा किया क्या, 126 बनाओ जल्दी 126 जल्दी बनाओ तुम लोग एको को बना बना के जल्दी अभी तक नहीं दिखाया, आज चल रहा है इतना देर से पढ़ रहा है ददलवा के एको दो को बनाओ ना जल्दी। अरे 125 सही तो 26 है जी ना, 4 सेंटीमीटर है क्या सर, देखो हमको क्यों बोल रहा है हम थोड़ा ना आंसर देखते हैं, यही तो आदत नहीं लगाए सर कि बना के आंसर करें फिर भी देख ले 26 है, 20 है, 1 सेंटीमीटर है, कंप्लीट हो गया तुम लोग का। तो बोला आंशिक रूप से पानी से भरे के लंब वृत्त बेलनाकार बर्तन में 6 मिमी व्यास वाले एक गोले को डुबाया गया ठीक है,
एक गोले को उस बेलनाकार बर्तन का व्यास कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो पाई हो जाएगा। यस सर। और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 का आधा कितना होता है? 6 का स्क्वायर। और यही में ऊंचा उठेगा बराबर गोला का आयतन। गोला का आयतन कितना हो जाएगा जी? 4/3 पाई और आर क्यूब मतलब 3 का क्यूब। कुछ कटेगा क्या? पाई पाई खत्म। उसके बाद 3 से ये वाला 3 से 1 वो कट जाएगा। ये स्क्वायर 9 × 36 खत्म। 4 × 6 खत्म। तो एच बराबर 1 आया सिर्फ। अरे बाप रे। तो क्वेश्चन मत देखो कितना लेंथ दी। अरे आंसर मत दो, 1 सेकंड में आंसर। एक लिख कैसे पता चलेगा कि आयतन निकालना है? पता कैसे चलेगा कि आयतन निकालना है? अच्छा कैसे पता चलेगा कि आयतन निकालना है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। ये बस सिंपल से ठीक पूछेगा तब ना बताएंगे कि कैसे जानेंगे। तो बोलता है कहीं भी किसी भी चीज को अगर हेल्टो डालो, हेल्टो मतलब वही ढेला, ढेला किसी को डालोगे तो पनिया को विस्थापित करेगा। पानी का विस्थापन मतलब हुआ आयतन का विस्थापन। किसी को डालोगे तो पानी जो फेंकेगा वो आयतन है। वो क्या है? आयतन है। किसी बर्तन में कोई चीज रखा हुआ लिक्विड के तौर पर वो क्या है? आयतन है। अगर 1 लीटर लिखा है इसका मतलब वो बर्तन में 1 लीटर पानी रह सकता है, समझे? तो उसके अंदर में जैसे ही डालेंगे बोला कितना सेंटीमीटर ये उठेगा। ये बर्तन वहां है, ठीक है, ये बर्तन है, ठीक है। और इसके अंदर में गोलिया डालेंगे, बोलता है गोलिया अगर डाल देंगे तो कितना तो उठेगा। मान लेते इतने बड़ा हम गोलिया डालेंगे तो इतने तक उठेगा, उठेगा कि नहीं उठेगा। तो वही पूछ रहा था पनिया कितना दूर तक फेंकाएगा। तो पनिया कितना दूर तक फेंकाएगा? यहाँ तक फेंकाएगा जैसे 1 सेंटीमीटर। इस तरह का सवाल अभी बनाए थे। तो 26 भी खत्म कर दिए। 27 बनाओगे कि हम ही बनाएंगे? सब बनाओ 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 बनाओ, यही बैठ के बनाओ। घर वाम तो देर वहां बनाते हो, समझ में आता है ना? जल्दी से बनाओ। 27 हमारे चैनल में आप लोग किस किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हम सब तरह का वीडियो लाएंगे, खाना पीना से लेकर सोना तक, सोना से लेकर उठना तक सब लाएंगे, ठीक है। बन पाया क्या? ताकते रहेगा ये लोग, टाइम ओवर हो गया, ठीक है। तो 127 में क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? 127 में क्या बोला? 127 में बोला एक ठोस लंबवृत्ताकार बेलन तथा एक ठोस अर्धगोला, एक समान आधार और एक समान ऊंचाई वाले हैं। तो बढ़िया बात है। उनके संपूर्ण अनुपात पूछा है भगवान। तो क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? अनुपात बराबर क्या हो जाएगा तुरंत देखेंगे। तो सबसे पहले बेलन है, बेलन का संपूर्ण पूछा ना जी। बेलन का क्या होता है? पाई 2π आर आर एच प्लस। बढ़िया बात है। उसके बाद अर्धगोला का क्या होता है जी? 3π r² अर्धगोला का, ठीक बोला, 3π r² सॉल्व कर दो। 2π r और h भी r ही है और बाय क्या हो जाएगा? 3π r² तो कटा दो, पाई पाई कैंसिल। यहां से आगे बढ़ते हैं 2r × 2r / 3r² तो ये आर और ये आर भी कैंसिल। 4:3 क्या नहीं दिख रहा होगा? झलक झलक क्या बात करते हो जी तुम लोग, हैं? झलक झलक जाए रे। तो आसानी से बना पाए, जल्दी से बना 128 में, जल्दी से। एक ओवर बनाओ जल्दी तुम लोग, 128 बनाओ जल्दी, 128 बनाओ दो जल्दी से फटाफट, ठीक है। 128 से बना दो जल्दी फटाफट, एकदम देर नहीं करना। जल्दी से 128 करो, 128 बनाओ जी। मिलीमीटर से मीटर में जाएंगे हमको क्या पता, तुम लोग जाओ देखो।
तुम लोग पूरा हाथ से लगाते मतलब की करे तो तुम लोग वहां पे देख रहे हो ना की है मीटर अब पूछ रहा था मीटर तक जाओ और की करोगे तो 128 में क्या बोला एक तांबे के गोले को खींच कर बढ़िया बात है ब्यास कितना 18 कितना ब्यास तो पाई हो जाएगा आर हो जाएगा 9 ना 9 का स्क्वायर आर गुने एच गोला है ना तो बोला है कि तो पहले बोलना था तुम 4/3 पाई और आर क्यूब मतलब 9 का क्यूब ना बराबर कुछ है कि और ब्यास तांबे के इसका ब्यास इतना है खींच करके वो तार डाल दिया तो पाई पाई और आर कितना मिलीमीटर प्लस सेंटीमीटर में लाते हैं मिलीमीटर है तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए भाग देना होता है 10 से 10 मिलीमीटर बराबर 0.2 सेंटीमीटर ठीक है तो यानी हो जाएगा कितना पहले मिलीमीटर ब्यास है तो 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 2 मिलीमीटर क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा तो 2/ क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर और गुने क्या हो जाएगा हमारा लंबाई सॉल्व करो पाए पाए पेंसिल और कुछ कटा क्या है नहीं आप बाद में करेंगे एच बराबर क्या हो जाएगा 4/3 गुने 9 गुने 9 गुने 9 ना और पलटा दो उधर 10/2 और 10/2 तो ये तो खत्म हो गया बेचारा 3 से ये 3 खत्म हो गया और 100 सेंटीमीटर में कट जाएगा वो मीटर होता है सीधे वो भी खत्म हो गया तो 9 + 7 = 81 = 243 243 मीटर डिस्टेंस बहुत लोग कैसे सोच रहा है रुको बता देते तो पूरा होगा 243 और 2 को सुनना हो जाएगा ये सेंटीमीटर में आया तो 243 और 2/ यहाँ पे तुरंत कर देंगे 100 ये मीटर में चल जाएगा ठीक है लो ठीक है बबुआ ठीक है पंकज ठीक है बम निर्मल बाबा का तो एकदम ढाबा खुल गया जी बाबा का ढाबा खुल गया बेचारा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है इतना कष्ट करके पढ़ रहा है बाबा कुछ तो कर लो 129 तुम लोग का होमवर्क बन जाएगा उम्मीद करते हैं क्या बना ये लेना उनर पुनर करके अरे नहीं आंसर बाबू उस तरफ देखना मिला लेना लेकिन एक को याद रखना एक को हम देख करके उसमें नहीं बनाते हैं ठीक है जी सर खाली तरीका देखते हैं कितना लंबा है बाकी हम उसमें कुछ भी नहीं लेते हैं अपना मेथड लेना हमेशा ताकि शॉर्ट बने हम तो उसमें लेंगदी तेंगदी भांगा डांगना दे देते हैं और कुछ इजी भी लगे जब नहीं बने तो एक बार आंसर भी देखना इसे सीख भी मिलेगा बहुत सारा ठीक है एक साथ कुंजिका ऐसा देखना यूज करना पहले खुद जानो तब कुंजिका ऐसा यूज करो ठीक तो 130 नंबर तुम लोग जल्दी से बना के दिखाओ जल्दी से फटाफट 129 होमवर्क रहा 129 रहा होमवर्क ठीक है 130 जल्दी से बना के दिखाओ एक को अभी बना के दिखाओ लास्ट टाइम है लास्ट क्वेश्चन बताएंगे उसके बाद फिर 15 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है तिरपन मिनट खिंचवा दिया तुम लोग 55 तक खिंचवा देगा लगता है गाना बना चलो तो 155 130 नंबर जो है बना देते हैं लेट हो जाएगा फिर बहुत टाइम खिंचा गया एक खिलौना किसी गोलार्ध पर आरोपित शंकु के है जी ए अर्धगोला बनाने आता है जी आए देखो क्या हो गया और इसी पर कौन सी है एक ही है शंकु है इसी पर खिलौना इस तरह का है देखो देख लो बाबू तो संपूर्ण पृष्ठ बोला देखो इस खिलौना का तो एकरा की कहते रे बउआ एकरा की कहते वक्र पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ इसका क्या हो जाएगा खिलौना का ए खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा तो हो जाएगा पहले ये हो जाएगा पाई आर एल बोलो हाँ हाँ होगा ना और ई वाला इसको कहते हैं अर्ध गोला का क्या होता है ये वाला ये क्या कहलाता है बोलो जल्दी से 2πr² ठीक है तो पाई आर दिख रहा कॉमन है पाई आर कॉमन है इसमें भी पाई आर है तो यहां बचा एल और यहां बचा 2r ना 2r बचा तो अब बैठा दो तो पाई का मान कितना होता है 22/7 आर का मान कितना है आर का मान 3 है एल का मान 5 हो जाएगा क्योंकि 3 4 का है कॉम्बिनेशन
तो थोड़ा सा दिखा देता हूँ लोग, तो यहाँ से ये है, ये हो गया, ये हो गया तीन और ये है चार, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा पांच। तो एल का मान हो गया पांच और प्लस दो गुने तीन, दो गुने तीन कितना होता है छह, सीधे लिखते हैं तो कुछ कटेगा ना रिमोट, बाईस बटे सात गुने तीन गुने ग्यारह, तो कितना हो जाएगा बाईस छीसठ गुने ग्यारह कितना होता है ग्यारह छक्का छीसठ और बहत्तर बटे सात, सात एकम सात जीरो सातिया केसर पांच, दिस इज द आंसर। मतलब बटे तक था ना दस मल में था, तो 103 पॉइंट समथिंग आएगा, 103 वाला क्या ऑप्शन में सात एक। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, इसी तरह के जबरदस्त वीडियो देखने के लिए एक विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर देखें, और एकदम बीच में स्किप बिल्कुल ना करें क्योंकि हम सिखाने के लिए आप लोग को प्रयासरत हैं, सीखते रहिए चलते रहिए। और विक्रम ट्यूटोरियल अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर थोड़ा शेयर कर देंगे, और जल्दी से जो मेरा एक टारगेट है $100 जल्दी से कंप्लीट करवा दें। थैंक यू वेरी मच।